इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या लगता है कि ये किस फॉर्म का दिख रहा है, इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? तो पहली नज़र में तो सबसे पहली चीज़ नज़र आनी चाहिए कि लिमिट एरिट कैलकुलेटिव है या फिर इनडिटर्मिनेंट वर्जन है। तो आई थिंक जब जीरो प्लेस करोगे आप तो साइन ए एक्स ए इंटू जीरो, साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो है और बी एक्स भी जीरो हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर जीरो हो चुका है। न्यूमरेटर भी आप एक्स वैल्यू प्लेस करोगे, एक्स की वैल्यू जीरो, तो वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, जीरो बाई जीरो, ठीक है। इसका मतलब कि हमें इनडिटर्मिनेंसी रिमूव करनी है। अब कैसे किया जाए, तो हमें जो दिख रहा है क्वेश्चन कि ये साइन थीटा बाई थीटा अपियर कराया जा सकता है, ठीक है, साइन थीटा बाई थीटा फॉर्म। तो नीचे तो एक्स चाहिए या एक्स से रिलेटेड कुछ चाहिए, ठीक है, क्योंकि अंदर साइन ए एक्स है, नीचे तो बी एक्स है। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। फिर फर्दर देखते हैं कि उस चीज को और कैसे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो डिवाइडिंग बाई एक्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वी गेट लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो साइन ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन एक्स होल अपॉन ए एक्स प्लस साइन बी एक्स अपॉन एक्स। तो ये आपका, अब इसको क्या करें हम लोग, न्यूमरेटर में अलग अलग कर ले, हम लोग दो टर्म है उन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो वी गेट लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन एक्स बी एक्स अपॉन एक्स, तो बी एक्स अपॉन एक्स का एक्स कैंसिल हो जाएगा तो प्लस बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नीचे ए एक्स अपॉन एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए बच जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा साइन बी एक्स अपॉन एक्स। अब ये थोड़ा सा हमारा जो है, ये जो थोड़ा सा है कि ए यहाँ ए एक्स है और नीचे एक्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए एक्स होना चाहिए था, लेकिन ए एक्स होने के लिए यहाँ ए होना चाहिए था, तो ए से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिया, और उतना ही हमें न्यूमरेटर में फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो ये साइन थीटा बाय थीटा फॉर्म हमारा आ गया है। इसी तरह से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बी से बी एक्स करना पड़ेगा, तो बी से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में भी बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब चूंकि लिमिट जो डिनोमिनेटर की लिमिट है वो ए और इधर साइन थीटा बाय थीटा वन हो गया, तो ए प्लस बी आ रही है, चूंकि क्वेश्चन में ये मेंशन था कि ए प्लस बी नॉन जीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब कि डिनोमिनेटर हम एलजेब्रा ऑफ लिमिट इस्तेमाल कर सकते हैं, और एलजेब्रा ऑफ लिमिट कहती है कि जब लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स है और उसमें जी एक्स की लिमिट नॉन जीरो है, तो आप दोनों ही लिमिट अलग अलग सेपरेटली कैलकुलेट करके डिवाइड कर सकते हो। दैट मीन्स दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो ए साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो ए प्लस साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स इंटू बी। अब फर्दर हम लोग न्यूमरेटर में डिस्ट्रीब्यूटिला लगा लेंगे, ठीक है, या एलजेब्रा लिमिट हम लोग कह सकते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो बी, बी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसकी लिमिट वही आ जानी है, ठीक है। सिमिलरली लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो ए प्लस बी टाइम्स लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो
आपका साइन बी एक्स बाई बी एक्स हो जाएगा। तो आपको हर स्टेप पे ध्यान देना पड़ेगा, हर स्टेप को आपको लिखना चाहिए ताकि मिस्टेक्स अवॉइड करी जा सके। तो a इंटू वन प्लस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू वन, अब न्यूमरेटर भी आपका a प्लस बी आ गया और डिनोमिनेटर भी आपका a प्लस बी आ गया, और ये दोनों ही डिवाइड हो गए, क्या आ जाएंगे, वन आ जाएंगे, मतलब आंसर आपका वन है।